हेलो मेरे हुक्केबाजों, और ये हुक्केबाज की तरफ से आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं बिना कोई बक किए हुक्का बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे और आप मैं मारेंगे दो दो कश बाबा जी की बूटी। तो चलो चलते हैं, राइट ऑन एक्शन। चलो ओके बाजो, फिर देखते हैं अब हुक्का बनाते कैसे हैं। उसके लिए मेरा रोमियो बिल्कुल तैयार है, अपने आप को पूरा खोल के आपके सामने बैठा हुआ है। तो हुक्के के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब सबसे पहले हम हुक्के के बेस में, इसमें जो हुक्के का वास है, इसमें पानी लेते हैं। ठीक है, अब पानी कितना लेना है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। पानी उतना लेना है कि जितना जो तुम्हारा लोअर स्टेम है ये 1 इंच तक पानी के अंदर डूब जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्टेम पे किसी भी टाइप का हुक्का आता है मार्केट में, तो बहुत सारे हुक्के आते हैं, तो मैं उनके स्टेम को ना हुक्के के बेस से ऐसे करके नापता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पर आ रहा है नीचे तक, राइट, इतना डूबेगा ये, तो मैं यहाँ पर मार्क करके इतना पानी लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिज़ाइन ही ऐसा है हुक्के का कि अपने आप ही जो मार्किंग मुझे इसमें समझ आ जाती है, तो मैंने वहाँ तक पानी ले लिया है। अब पानी लेने के बाद मैंने इसमें लगा दिया है स्टेम अच्छे से अंदर तक। ठीक है जी, ओके। फिर लगाया इसके ऊपर एस्ट्रे, कोल्ड ट्रे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है हुक्के का हेड कैसे तैयार होगा, इसमें हम हुक्के का फ्लेवर कैसे डालेंगे, इसकी पैकिंग कैसे होगी। उसके लिए दोस्तों मैंने ना फ्लेवर पहले ही इस प्लेट में निकाल लिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लूँगा फॉक से ना, इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि वैक्यूम बन जाए, ये आपस में चिपका ना है, जैसे स्प्रिंकल करते हैं ना हम ऊपर से, थोड़ा सा उस टाइप का हो जाए। अब फ्लेवर का तो ऐसा है कि बंदे टू बंदा डिपेंड करता है, ये किसी को पान फ्लेवर पसंद है, किसी को सिट्रिक्स मिंट पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो बंदे की चॉइस पे मैटर करता है। मैटर ये करता है कि इसको हम हुक्के के हेड में पैक कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने इसको, जो इसके जूसेस को जो इसके अंदर होते हैं ना, थोड़ा सा दबा दबा के ना इक्वली निकाल लिया है, और इसको ऐसा कर लिया कि थोड़ा सा ये स्प्रिंकल हो जाए ऊपर से। स्प्रिंकल हो जाता है ना, तो इसके अंदर जो वैक्यूम बनता है, जो हवा पास होती है जब हम उसका इनहेल करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, अब इसको डालने के लिए वैसे तो मैं फॉक से भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं हाथ से डालता हूँ। तो ये मैंने इसको हाथ से स्प्रिंकल किया। मैं तो पूरा तामझाम लेके बैठता हूँ, प्लेट प्लेट एकदम सब कुछ। वैसे ज़रूरी नहीं है, कई लोग डायरेक्ट भी डाल देते हैं, लेकिन यार सबका ना अपना अपना तरीका होता है। मैं पूरा अंदर तक खो जाता हूँ इसके अंदर, तो इसलिए मैं हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ही यूज़ करता हूँ। ओके, ये मैंने इसके अंदर डाल लिया है फ्लेवर। चलो जी, फ्लेवर इसके अंदर चला गया। अब मैं इसके अंदर, सबसे पहले मैं ज़रा हाथ साफ़ करने के लिए एक टिश्यू पेपर लेकर आता हूँ, कहीं जाना मत, मेरे हाथ थोड़े से गंदे हो गए, मैं टिश्यू पेपर ही लेना भूल गया हूँ, इतना खो गया। चलो हाथ को साफ़ कर लेते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हो टोंग, इसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं हुक्का उठाने वाली चिमटी, लेकिन वैसे इसको टोंग बोलते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसमें वैक्यूम बना लेता हूँ, इसी से ही जो इसके पीछे ना ये लगा होता है, किसी किसी हुक्के के टोंग में नहीं आता ये, तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसी लंबी सी नोकीली चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैं वैक्यूम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरा हेड है ना ये हुक्के का, ये इजिप्शियन हेड है, इसमें 4-5 छेद हैं, तो इसमें मिडल में सेंटर में छेद नहीं है, ज़्यादातर हेड में सेंटर में छेद होता है, लेकिन इसके 1, 2, 3, 4 इतनी जगह पर छेद है, तो जहाँ जहाँ पे इसके होल है ना, अंदाजे से मैंने वहाँ वहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम बना दिया है, ताकि मेरा स्मोक अच्छे से पास हो जाए। ठीक है दोस्तों,
चलो लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद। अब इसको मैं फॉइल से पैक करता हूँ। ये मैंने हैवी ड्यूटी फॉइल ली है, क्योंकि जो पतली फॉइल आती है मार्केट में, उसको जब हम थोड़ा सा अगर प्रेशर भी लगाते हैं पैक करते वक्त, तो वो फट जाती है। तो ये मेरी हैवी ड्यूटी फॉइल है, और पतली वाली फॉइल को भी लोग डबल करके यूज़ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर फॉइल। ये मैंने लगाई फॉइल, इसको एक साइड से मैंने इसको ऐसे दबाया, और इसको हल्के हल्के साइड से प्रेशर लगा के पैक कर दिया। ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये यहाँ से टूट जाएगा। अब इधर की साइड पे प्रेशर लगा के यहाँ से इसको खींचना शुरू किया। तो ये मेरा हेड और उसकी पैकिंग हो गई तैयार। अब इसके अंदर होल करते हैं। होल करने के लिए मेरे पास है पुश पिन, तो पुश पिन मैं लेकर आ गया हूँ। आप लोग टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पुश पिन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रहता है मेरा हाथ। सबके अपना अपना जिस पे हाथ बैठ जाए वो है। तो साइड से इसके अंदर होल करना मैं शुरू करता हूँ। ओके, अब ये दूसरी लाइन, ये लो भैया, अपना हेड हो गया तैयार। अब हम इसको रखने वाले हैं स्टेम के ऊपर। तब तक मेरा कोल जो है मेरी गैस पे तैयार हो रहा है, इंडक्शन गैस पे। जब वो तैयार हो जाएगा फिर मैं उसको लेकर आके इसके ऊपर लगा के और चकाचक काम। तो हेड जा चुका है स्टेम के ऊपर, अपना हीरो एकदम तैयार हो चुका है, बस इसमें कोल लगने की देरी है। तो चलो कोल लेकर आते हैं। तो गाइस, अपना कोल तैयार हो गया बिल्कुल। अभी मैंने ये स्टार्टिंग में तीन स्क्वायर कोल लिए हैं, कोकोनट शेल वाले। इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से पूरा गर्म कर दिया, कि जो इसका ब्लैक पोर्शन है वो दिखना बंद हो गया, एकदम ये रेड हो रखा है एकदम सुलग के। अब इसकी साइड्स पे हम रखते हैं एज पे। स्टार्टिंग में मैं तीन कोल रखूँगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं एक कोल इसमें से हटा दूँगा। ये चला गया कोल मेरे हेड के ऊपर। तो दोस्तों, अभी मैंने कोल हेड के ऊपर रख दिया, और मैं इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक हेड पे रखूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको कोल लगाते ही और एकदम से इन्हेल करना शुरू कर दूंगा, तो जो मेरा फ्लेवर है उसके अपर पार्ट के बर्न होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। जब इतना वेट किया, सब्र का फल तो फिर होता ही मज़ेदार है। थोड़ी देर वेट करते हैं, और 2 मिनट बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें से कैसा स्मोक आता है और इसका चमत्कार। तो दोस्तों, अपना रोमियो पूरा तैयार हो गया है, और मैंने इसको कोल को 2 मिनट छोड़ भी दिया था, और थोड़ा बहुत इनहेल किया ताकि उसका जो कोल की हीट है वो पूरी तरीके से बॉल में आ जाए। चलो अब एंजॉय करते हैं, फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट करते हैं, और रोमियो के साथ। इजाज़त दीजिए अपने हुक्केबाज को, मिलते हैं अगली वीडियोस में। और ये मेरे को थोड़ा सा हिट करने लग गया है 3-4 पफ में। तब तक के लिए हुक्केबाज का सलाम, बाय।